हेलो एवरीवन केएचजी शिक्षण के करंट कैप्सूल डेली में आप सभी का स्वागत है आप लोगों ने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि मेघालय में एक बहुत ही दुर्भाग्यवश घटना हुई है वहाँ पे एक खदान में पांच श्रमिक जो है फंस चुके हैं और उनको निकालने की निरंतर कोशिश हो रही है तो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेघालय और वहाँ पे जो खदान है कोयला खदान कोयला खनन की तकनीक रेट होल खनन जिसे कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा और वीडियो के आखिरी में एक क्वेश्चन होगा प्लीज़ उसे सॉल्व कीजिएगा तो पहले देखते हैं कि दुर्घटना हुई कहाँ है तो ये दुर्घटना जो हुई है वो मेघालय की ईस्ट जयंतिया हिल्स ज़िले में हुई है ईस्ट जयंतिया हिल्स यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर हुई है और यहाँ पे क्या हुआ कि एक कोयला खदान थी उसमें इन्होंने डायनामाइट विस्फोट किया और उस विस्फोट की वजह से पास वाली खदान का पानी इस खदान में आ गया और वो लोग ट्रैप हो ज, ट्रैप हो गए ठीक है तो इसकी वजह से ये दुर्घटना हुई और पांच श्रमिक इसमें फंस गए ठीक अब थोड़ा सा जो है ये जियोलॉजिकल मैप देख लेते हैं और क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि गारो खासी और जयंतिया को पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व में जमा ठीक है तो हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो पश्चिम से गारो खासी और जयंतिया ये पश्चिम से पूर्व की ओर सीधा ही है गारो खासी और जयंतिया दूसरा ये होता है कि एक क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे जो है पानी आ, सबसे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो एक स्थान है मोसिन राम, वहाँ पर प्राप्त होती है वो मेघालय में ही है तो उसका रीज़न ये तीनों पहाड़ियों की अवस्थिति है वो मानसूनी पवनों के एकदम लंबत है और मानसूनी पवनें यहाँ आके ट्रैप हो जाती है एक तरह से तो और सब जितनी भी ह्यूमिडिटी उन वो लाती है वो सारी यहाँ पे वर्षा के रूप में प्रदान कर देती है ठीक है तो ये ये चीज़ देख लेते हैं अब आगे देखते हैं कि मेघालय की सीमाएँ किस किस uh, से मिलती है तो मेघालय की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा सिर्फ असम से मिलती है और दूसरा बांग्लादेश ये बहुत ही इजी है याद करना ठीक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश से मिलती है और अंतर्राज्यीय सीमा असम से मिलती है अब देखते हैं रेट होल खनन क्या है तो रेट होल खनन आप फोटो में देख सकते हो बहुत ही छोटी सुरंगें खोदते हैं और कम गहरी सुरंगें खोते हैं और इनमें कम हाइट के लोग ही या बच्चे जो है वो जाते हैं और कोयला निकालते हैं ठीक है तो बहुत ही छोटी सुरंग होते हैं आमतौर पर केवल तीन चार फीट गहरी जिसमें श्रमिक अधिकतर बच्चे प्रवेश करते हैं और कोयला निकालते हैं ठीक है और ये कारण क्या है इसको तो ऐसा है कि मेघालय में जो कोयला निक्षेप है वो पतली पतली पट्टियों में है ठीक है और निम्न गुणवत्ता का कोयला है तो वहाँ पे अधिक इन्वेस्ट करना किसी के लिए वायबल नहीं होता है तो ये छोटी छोटी खोद खोद के वहाँ से कोयला निकाल लेते हैं ठीक है और पॉइंट ये है कि वहाँ पे अभी जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने 2014 में इसे रेट होल को खनन को प्रतिबंधित किया था क्योंकि एक तो ये है कि ये खतरनाक है बच्चों के लिए और इनका नियोजन इसमें होता है दूसरा ये रेगुलेटेड नहीं है तीसरा ये है कि ये पर्यावरण के लिए भी खतरा है क्योंकि यहाँ पे जो होता है खनन उसकी वजह से यहाँ से जो पानी की स्ट्रीम अगर कोई जा जा रही होती है तो वहाँ पे वो, वो प्रदूषित करता है ठीक है प्लस कोयले का डंपिंग कहीं पे भी कर लेते हैं ये लोग क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है तो उस वजह से ये भूमि प्रदूषण जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण तीनों का कारण बना है तो इस कारण राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने 2014 में इसे प्रतिबंधित किया लेकिन उसके बावजूद भी ग्राउंड लेवल पे ये जो है चलता रहता है क्योंकि वहाँ के लोग जो है थोड़ा पिछड़ी पृष्ठभूमि से और इससे ये जो खनन में लगे श्रमिक हैं उनको थोड़ा लाभकारी रहता है तो इस कारण ये अभी भी चल रहा है वहाँ पे और उसका ही कारण ये उस रैठोल खनन के वजह से ही ये दुर्घटना का कारण माना जा रहा है ठीक है तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस राज्य में कोयला निकालने में रेट होल खनन का उपयोग होता है तो अभी आप सबको बताया कि सिर्फ मेघालय में ही होता है बाकी झारखंड में भी कोयला है लेकिन कोयले की बहुत विस्तृत पट्टियाँ हैं तो वहाँ पे जो है औद्योगिक रूप से खनन किया जाता है ठीक है थैंक यू वेरी मच